नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत देश के चमारों व दलितों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या दोस्तों आप पाकिस्तान में रहने वाले दलितों व चमारों की स्थिति जानते हो? अगर नहीं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पाकिस्तान के दलितों को कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम के रूप में और जाति पदानुक्रम के निचले भाग में दलित के रूप में यदि वे महिलाएं हैं तो उनके साथ लिंग आधारित भेदभाव होने की भी संभावना है। पाकिस्तान के दलित गरीब और अनपढ़ हैं। उनमें से कई आधुनिक गुलामी के बंधवा मजदूर के रूप में काम करते हैं और उनके खिलाफ अपराध ज्यादातर दंड से मुक्ति के साथ किए जाते हैं। 2017 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में पंजीकृत अनुसूचित जातियों की संख्या 84,09,614 है, लेकिन संकरात्मक और दलित कार्यकर्ताओं के अनुसार उनकी संख्या लाखों में गिनी जानी चाहिए। जो सबको चौंका देने वाली बात है वो कुछ इस तरह है। पाकिस्तान में हर साल चमार लड़कियों को और युवतियों को अपहरण किया जाता है, परिवर्तन और जबरदस्ती शादी का शिकार होना पड़ता है। हजारों लोग यौन शोषण और यतना झेलते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन से शादी नहीं होती, बल्कि यौन शोषण, बेशा करती और तस्करी होती है। बंधवा मजदूर के रूप में जाति आधारित गुलामी की भी शिकार दलित महिलाओं भी यौन शोषण की चपेट में हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में रहने वाले चमार व दलितों के ऊपर इतने घोर अत्याचार होते हैं, जिसे सुनकर हर किसी इंसान का, वो चाहे किसी भी जाति का हो, उसका खून खोल जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वाली जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय भीम।